तो कैसे यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच छिड़ी कोल्ड वॉर वजह बनी आज हमारे बीच मौजूद इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी की। आप लोग अभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे, आप लोगों को हमारा थंबनेल दिखा, आपने उस पर क्लिक किया, वो इन्फॉर्मेशन आपके फोन से यूट्यूब सर्वर तक पहुंची और यूट्यूब सर्वर से फौरन ही हमारी वीडियो आपके फोन में चलने लगी। और ये प्रोसेस अगर आज के टाइम पर मुमकिन है तो उसके पीछे की वजह है इंटरनेट। लेकिन आज से कुछ दशक पहले दुनिया में इंटरनेट नहीं था, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए कैसे हुई थी इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी की शुरुआत। टाइम था 1947 के बाद का, जहां एक तरफ वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर के बीच वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच ही अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझने रेस में लगी। ये दोनों सुपर पावर ने जाने अनजाने में ऐसे आविष्कार कर दिए जिसने आगे आने वाले सालों में पूरी दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। इसी कोल्ड वॉर के बीच जहां अमेरिकन साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगे थे, उसी दौरान साल 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक को अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च करके यूनाइटेड स्टेट को टेंशन में डाल दिया। और इस टेक्नोलॉजी की रेस में सबसे आगे रहने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने अपने कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव नेटवर्क बनाने का फैसला किया। आप लोगों को ये बता दें कि इंटरनेट के इन्वेंशन से पहले एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेट करने के लिए टेलीफोन लाइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। और टेलीफोन लाइन से कम्युनिकेट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल था जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच एक डायरेक्ट चैनल मौजूद और कोई दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटर्स को सर्किट हाथ से मैनुअली स्विच करना पड़ता था। और स्पुतनिक जैसी सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट को इस बात से डर था कि सोवियत यूनियन उनके इस कम्युनिकेशन मीडियम को अपनी टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट ने साल 1958 में नासा और ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की शुरुआत करी, ताकि वो एक ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क पर काम कर सके जहां पर कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, जिससे जन्म हुआ ARPANET का। और इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने का पहला अटेम्प्ट एक फेलियर साबित होता है, क्योंकि जो पहला वर्ड इस टेक्नोलॉजी के ट्रायल में सेंड किया गया था वो था LOGIN लॉगिन। और उस टाइम पर दूसरा कंप्यूटर जो स्टेफन यूनिवर्सिटी में मौजूद था, उसमें से फर्स्ट दो लेटर ही LO ही अपने कंप्यूटर में रिसीव किए, जिसके बाद जाकर साइंटिस्ट ने बार बार इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की कोशिश करी और इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर बनाने में जुट गए। जिसके बाद साल 1971 में जाकर रे टॉमलिंसन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार कोई पूरा मैसेज सक्सेसफुली सेंड किया। और 1970 के ही दशक में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट विंटन सर्फ को एक ऐसी महिला से प्यार हो गया जो सुन नहीं पाती थी, और उनकी वाइफ के पूरी तरह से डेफ होने की वजह से वो बाकी दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। इसलिए विंसेंट सर्फ ने इंटरनेट को दुनिया के हर एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने की ठान ली, ताकि उनकी वाइफ जिससे चाहे उनसे कम्युनिकेट कर सके। जिसके बाद जाकर उन्होंने ऐसा नेटवर्क डेवलप किया जिससे दुनिया के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। और TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जन्म हुआ, जिसके बाद जाकर साल 1985 में DNS डोमेन नेम सिस्टम को बनाया गया और symbolics.com के नाम से दुनिया का पहला डोमेन नेम रजिस्टर हुआ, क्योंकि डोमेन नेम को याद रखना ज्यादा इजी होता है IP एड्रेस की जगह पर। और साल 1991 में जाकर टिम बर्नर्स-ली नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने इंटरनेट की दुनिया में एक मेजर स्टेप लिया, जब उन्होंने ये सोचा कि इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर करने का मीडियम नहीं, इसलिए उन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब को इंट्रोड्यूस किया। और वर्ल्ड वाइड वेब के इंट्रोडक्शन के बाद वेब पेजेस की वजह से इंटरनेट का इंटरफेस और भी यूजर फ्रेंडली बन गया, और साथ ही अब लोग इंटरनेट पर ना सिर्फ डेटा बल्कि पिक्चर्स, वीडियोस, फाइल्स सब कुछ सेंड और रिसीव कर सकते थे। जिसके बाद जाकर साल 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर और साल 1998 में गूगल के लॉन्च होने के बाद इंटरनेट अब फाइनली जाकर काफी हद तक उस जैसा दिखने लगा था जैसा आज हम उसे जानते हैं। जिसके बाद जाकर एक से बढ़कर एक वेबसाइट लॉन्च होती गई जो इंटरनेट के लिए एक रेवोल्यूशन साबित हुई, और इसी इंटरनेट ने हमें जाकर एक से बढ़कर एक ट्रेंड दिए। इस टाइम पर इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे ना तो कोई कंपनी या गवर्नमेंट ओन करती है।
वीडियो का ये पार्ट शुरू करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को बनाने में चैट जीपीटी ओपन एआई की मदद ली गई है और कोई भी एआई इतनी एडवांस नहीं है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, इसलिए व्यूअर्स अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो रातों रात कितनी इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। हाल ही में साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा के रख दी जब उन्होंने ये बताया कि 2025 में हमारे सन पर एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है और यही नहीं सोलर स्टॉर्म से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स हमारे अर्थ तक को हिट करने वाली है जिससे हमारी अर्थ पर मौजूद पावर ग्रिड्स, रेडियो सिग्नल और यहाँ तक की इंटरनेट पूरी तरह से तबाह हो सकता है जिससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट का खतरा बढ़ सकता है। साल 2022 में पूरी दुनिया ने लगभग 187 इंटरनेट शटडाउन देखे जिसमें से 84 तो सिर्फ इंडिया में कश्मीर में आर्टिकल 371 हटने के बाद के थे और बाकी यूक्रेन, ईरान और म्यांमार जैसी कंट्री के। पर आगे आने वाले सालों में बड़ी कंपनीज की मोनोपोलीज जैसे कि स्टारलिंग जैसे प्रोजेक्ट जो कि एलन मस्क जैसे लोगों को इंटरनेट जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी के पर मोनोपोली बनाकर देगी और इतनी ज्यादा एडवांस और बड़ी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही हाथ लगने पर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इंटरनेट को पूरी दुनिया से शटडाउन तक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले सालों में इंटरनेट को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा। ये भले ही इस टाइम पर हमें एक साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट लगे पर इस टाइम ही कंपनीज एआई एल्गोरिदम की मदद से हमें पर्सनलाइज एड और कंटेंट शो करती है। पर आगे आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की बढ़ती कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं कि ये दुनिया पर पूरा कंट्रोल कर ले और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरनेट के टेकओवर से अपने फायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इंटरनेट के इस्तेमाल को इंसानों के लिए हमेशा के लिए बंद भी कर सकती है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।